बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले कुछ लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट को सीखा था। जैसे हमने देखा था क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास मेम्बर को कैसे एक्सेस करते हैं, प्राइवेट पब्लिक, और उसके बाद हमने देखा था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और एक क्लास को अलग सेपरेट क्लास के अंदर कैसे बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे। जितना भी हमने पढ़ा है इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट हमारा ये है, राइट क्लास प्लेयर दैट कंटेन थ्री एट्रीब्यूट्स, यानी कंटेन एट्रीब्यूट्स फॉर द नेम, फॉर द प्लेयर नेम, एज एंड टीम नेम। यानी कि आपने एक क्लास बनानी है, क्लास का नाम हमारा क्या होगा, प्लेयर होगा, और उसके अंदर हमने तीन एट्रीब्यूट रखने हैं जिसका नाम क्लास नेम होगा, सॉरी प्लेयर नेम होगा, एक प्लेयर की एज होगी और उसके बाद उसकी टीम होगी। उसके बाद हम करेंगे राइट थ्री मेंबर फंक्शन, इनपुट डाटा, चेंज डाटा एंड डिस्प्ले डाटा दीज एट्रीब्यूट। यानी कि इन एट्रीब्यूट को इनपुट करा सके, इन एट्रीब्यूट को चेंज करा सके और इन एट्रीब्यूट को डिस्प्ले कर सके। राइट कंस्ट्रक्टर दैट आस्क फॉर इनपुट टू इनिशियलाइज ऑल दीज एट्रीब्यूट। और इसके साथ ही हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो इन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कराने के लिए हमें क्वेश्चन करेगा या पूछेगा। तो व्यूअर्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम व्यूअर्स एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास प्लेयर। इसके अंदर हम व्यूअर्स तीन प्राइवेट डाटा मेंबर रखते हैं जी, इंट एज, उसके बाद करेक्टर नेम उसकी हम कर लेते हैं 40, उसके बाद आ जाएगा टीम, उसको भी हम ले लेते हैं जी 40। उसके बाद व्यूअर्स हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम कुछ इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर प्लेयर नेम और यहाँ पे आ जाएगा सी एन डॉट गेट लाइन और यहाँ पे आ जाएगा नेम कॉमा उसकी लेंथ, सी आउट एंटर प्लेयर टीम, उसकी टीम कौन सी है जी, सी एन डॉट गेट लाइन टीम कॉमा उसकी लेंथ, सी आउट एंटर प्लेयर एज, उसकी एज क्या है जी, सी एन यहाँ पे आ जाएगा एज। इतने प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं मेन फंक्शन के थ्रू। हम यहाँ पे मेन अंदर हम यहाँ पे प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर प्लेयर नेम, मैं कहता हूँ प्लेयर का नाम जो है ना सईद अनवर है, उसकी टीम पाकिस्तान है, उसकी एज की है ना 45 ईयर। और इस डाटे को अगर हमने शो कराना है तो उसके लिए हम एक बनाते हैं डिवाइड डिस्प्ले। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट प्लेयर नेम इज, यहाँ पे आ जाएगा नेम, सी आउट प्लेयर टीम नेम इज, या टीम नेम इज होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी टीम, सी आउट प्लेयर एज इज एज। इसको अगर हम यहाँ पे पी डॉट डिस्प्ले करते हैं जी, प्लेयर नेम मैं कहता हूँ जी सईद अनवर है,
पाकिस्तान है, उसकी एज 45। तो ये आ जाएगा प्लेयर नेम इज फला फला फला। ओके व्यूअर्स, इसी तरह हम यहाँ पे वाइड इनपुट का एक फंक्शन बनाते हैं जी, जिसके आ जाएगा सी आउट एंटर प्लेयर नेम सी एन नेम, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं जी, प्लेयर टीम टीम आ जाएगा, प्लेयर एज एज। व्यूअर्स अगर हम नीचे आके एक मेन मेन्यू बना लेते हैं, जैसे मेन मेन्यू लिया जी इंट चॉइस, और यहाँ पे डो का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट मेन मेन्यू, सी आउट वन के लिए हम कर देते हैं जी इनपुट प्लेयर डाटा, सी आउट टू के लिए हम कर लेते हैं जी डिस्प्ले प्लेयर डाटा, उसके बाद सी आउट नंबर थ्री पे हम रख लेते हैं इसको चेंज प्लेयर डाटा, सी आउट नंबर फोर पे हम कर देते हैं जी एग्जिट, और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट एंटर एनी चॉइस, किसी भी नंबर को वो क्लिक करेगा तो उसको हम स्विच में पास कर देंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे केस वन, यानी कि अगर वो वन प्रिंट करता है करता है तो क्या आ जाएगा पी डॉट इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगी ब्रेक। केस टू में है जी पी डॉट डिस्प्ले ब्रेक, केस थ्री में है जी पी डॉट उसको हम कर देंगे जी चेंज डाटा, अभी हमने व्यूअर्स यहाँ पे चेंज का फंक्शन भी बनाना है, डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे चेंज का फंक्शन भी बनाते हैं हम, यहाँ पे चेंज जो भी डाटा हम सेंड करेंगे वो उसको एन फॉर नेम टी फॉर टीम नेम ए फॉर ए जाए एस टी आर सी पी वाई कॉपी कर ले किसको नेम के अंदर एन की वैल्यू को कॉपी करते हैं, यानी कि ये क्या करेगा एस टी आर सी पी वाई का जो फंक्शन है जो एन के अंदर वैल्यू आएगी उसको कॉपी कर देगा नेम के अंदर, एस टी की तरह एस टी आर सी पी वाई टीम की वैल्यू के अंदर कॉपी हो जाएगी टी की वैल्यू, और एज के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर वो थ्री प्रेस करता है तो यहाँ पे आ जाएगा, सेव करते हैं पी डॉट चेंज, चेंज हम कोई वैल्यू सेंड कर देते हैं, हम कहते हैं जी
शाहिद, और उसके बाद पाकिस्तान, और इसकी हम एज रख देते हैं जी 40। ये वैल्यूज को जाके चेंज कर देंगे। अगर वो कहता है जी केस 4 है तो एग्जिट कर देगा, ब्रेक कर देगा, डिफॉल्ट में लिख देगा सी आउट यू एंटर इनवैलिड नंबर। आपने इनवैलिड नंबर जो है ना वो डिस्प्ले कर दिया। इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं और वाइल की कंडीशन को हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। वन मतलब है ये ट्रू है। पहले इसको प्रोग्राम को चला लें, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया है, तो स्ट्रिंग की फाइल भी हमें ऐड करनी है, strcpy। अच्छा, नेम के स्पेलिंग भाई जान सही नहीं थे, ये नहीं जी। एंटर प्लेयर नेम मैं कहता हूँ जी सईद अनवर है, पाकिस्तान है, उसकी एज 45। मेन मेन्यू में आ गया जी, हम कहते हैं टू डिस्प्ले कर दो जी। ये आ जाएगा जी प्लेयर नेम सईद अनवर है, टीम इज पाकिस्तान है, या जाए ठीक हो गया व्यूअर्स। अगर मैं यहाँ पे जब मेरा मेन मेन्यू स्टार्ट हो तो यहाँ पे अगर सिस्टम CLS का फंक्शन अगर यूज़ कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और जब हमारा डाटा डिस्प्ले हो तो उसके बाद हम सिस्टम पास का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। चलिए जी, प्लेयर नेम इंजामाम है, पाकिस्तान है, एज उसकी जी 50 है। डाटा एंटर हो गया, मैं टू पे प्रेस करता हूँ। प्लेयर नेम इज इमाम, टीम नेम इज पाकिस्तान, प्लेयर एज इज 50। प्रेस एंटर कंटिन्यू, यस। मैं कहता हूँ जी 1 पे एंटर प्लेयर नेम, मैं कहता हूँ जी उसका नाम है जी सईद, टीम पाकिस्तान, एज उसकी है जी 55। अब अगर मैंने डाटा को देखना चाहता हूँ तो ये देखें सईद है पाकिस्तान प्लेयर आ जाएगा। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये अब एंटर 3 पे करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, और दोबारा डिस्प्ले करूँगा तो जो मैंने डाटा दिया होता है शायद पाकिस्तान और 40 ये शो हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स अब देखें हम इसको कैसे करते हैं, स्टार्ट से करते हैं। हमने कहा था कि एक हमने क्लास लेनी है प्लेयर के नाम से, 3 डाटा मेंबर ले लिए हमने, एज है, नेम है, और उसके बाद की टीम है। हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर ले लिया, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर हमसे इनपुट लेगा, प्लेयर की नेम ले लेगा, प्लेयर का टीम नेम ले लेगा, उसकी एज का डाटा ले लेगा। इसी तरह हमने एक फंक्शन बनाया है इनपुट के लिए, जो हमसे प्लेयर का नेम ले लेगा, प्लेयर की टीम नेम ले लेगा, और उसकी एज ले लेगा जब इसे फंक्शन कॉल होगा। फिर हमने डिस्प्ले, जो हम नाम होगा उसको डिस्प्ले कर देगा, जो टीम का नाम होगा, जो एज होगी, वही सारी डिस्प्ले हो जाएगा, और सिस्टम पास कर दिया, यानी कि सिस्टम को वहीं पे रोक दे ताकि वो डाटा डिस्प्ले होता रहे। चेंज में हमने कह दिया कि जो फंक्शन कॉल होगा, जो भी उसको नेम आएगा वो नेम में स्टोर हो जाएगा, जो टीम का नेम आएगा टीम नेम में स्टोर हो जाएगा, जो एज आएगी ए में उसके अंदर एज के अंदर स्टोर हो जाएगी। मेन फंक्शन के अंदर व्यूअर्स हमने एक वेरिएबल लिया, बल्कि यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं पी के नाम से, वेरिएबल लेते हैं चॉइस के नाम से, इंटीजर टाइप का। डू का वाइल लूप स्टार्ट करते हैं, डू वाइल का सिस्टम CLS क्या करेगा, सिस्टम स्क्रीन को क्लियर कर देगा। मेन मेन्यू हमने बना दिया, हमने कह दिया एंटर 1 करेगा तो इनपुट डाटा करेगा, 2 करेगा तो प्लेयर के डाटा को डिस्प्ले कर देगा, 3 करेगा तो चेंज कर देगा, 4 करेगा तो एग्जिट हो जाएगा, और हमने कह दिया एंटर एनी चॉइस नंबर, कोई भी अगर 1, 2, 3, 4 तक नंबर देगा उसका नंबर को हमने यहाँ पे इनपुट करा देंगे, वही नंबर हमने स्विच के अंदर एज एक्सप्रेशन पास कर दी कि
केस वन, अगर तो चॉइस के अंदर हमने इसने वन प्रेस किया हुआ है तो क्या करेगा, इनपुट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो डाटा हमसे इनपुट ले लेगा और ब्रेक कर देगा। बट अगर उसने टू प्रेस किया हुआ है तो क्या करेगा, वो डाटे को डिस्प्ले कर देगा। इस तरह अगर वो थ्री प्रेस कर देगा तो क्या करेगा, फंक्शन चेन कॉल हो जाएगा और उस डाटे की जगह पे नेम की जगह पे शायद चला जाएगा, टीम की जगह पे पाकिस्तान चला जाएगा और एज की जगह पे 40 चला जाएगा। अगर वो फोर प्रिंट करता है तो वो क्या कर देगा, उसको एग्जिट कर देगा। और अगर कोई इस चार में कोई भी नंबर को यानी कि करता है, कोई और करता है तो वो क्या कर देगा, मैसेज शो कर देगा इनवैलिड नंबर। और डू वायर के एंड पे हमने कंडीशन लगा दी है जिसको हमने ट्रू समझ लें कंसिडर कर दिया है। तो ये तो था विदर्स तरीकाकार के हमने प्लेयर की क्लास को कैसे बनाते हैं, उसके अंदर डाटा मेम्बर हम कैसे लेते हैं और उसके मेम्बर फंक्शन का हम कैसे कॉल करते हैं। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।